ये हमारा सिटी फॉरेस्ट गाजियाबाद, ये हिंडन नदी में पड़ता है, हिंडन नदी है यहाँ पे, और इसी यही हम चलेंगे आगे की तरफ। रास्ता इधर से जाने का है, ये सिक्योरिटी गार्ड भैया है यहाँ पे। ये है भाई नदी, ये नाला, बहुत गंदा पानी बह रहा है यहाँ पे, और ये आगे लिखा है सिटी फॉरेस्ट। यहाँ पे जो टिकट भी लगती है, 10 रुपये की एक टिकट है यहाँ पे। एक मिनट, तो वही क्या है कि टिकट भी मैंने यहाँ से 10 रुपये की ले ली है। यहाँ बताया गया है कि इंडियन नदी के ये सिटी फॉरेस्ट एरिया जो है, यहाँ पे झूले वगैरह हैं और थोड़ा सा जंगल है, तो बस यही चीज़ें हैं यहाँ पे। और लेकिन मैं अंदर जाके देखना चाहूँगा अंदर क्या क्या चीज़ और दिखाई गई है। तो भाई यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, ये नक्शा दिया हुआ है यहाँ पे, भैया ने बता दें लेफ्ट चल के जीना आएगा, जीने से सीधे चले जाना, उधर कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम इधर से चलेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है, शिवालय सिद्धपीठ सिटी फॉरेस्ट गाजियाबाद, 40 दिन लगातार दिया जाने वाले से मनोकामना पूर्ण होती है। भाई इधर कुछ है, इधर नहीं जाएंगे हम, इधर चलेंगे जीने से इधर की तरफ, और यहाँ से सीधे चलेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पे ये पूरा जंगल है, इस जंगल में ही पार्क बना दिया गया है, और इस पार्किंग की और इस पार्क में एंट्री के लिए ही 10 रुपये टिकट लगाई गई है। तो भाई यहाँ पे दिया हुआ है ये एडवेंचर जोन गेट नंबर 1, ये एडवेंचर जोन है यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसलिए तो ताला बंद है यहाँ पे। तो कुछ एडवेंचर यहाँ पे होता, लेकिन यहाँ पे सब बंद किया हुआ है, अब क्यों बंद किया है मालूम नहीं। बाकी इधर सब तो खेती वेती लग रहा है, सरसों सरसों उगाए हुए हैं, कोई खास मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम चलेंगे और आगे देखते हैं आगे क्या दिखाया गया है। यहाँ पे भाई थोड़ा सा ये जाली है, ये जाली जो है ना यहाँ पे काटी हुई है, इसके अंदर से हम जा सकते हैं, थोड़ा सा घूम सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर देखने को और घूमने को। ये सब भी ऐसी ही है, फालतू चीज़ है, फालतू है, किसी काम का नहीं है, कोई यहाँ पे आके क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और ये इसमें क्या दिखाया गया है कि मतलब यहाँ से चढ़ोगे, यहाँ से चढ़ोगे और ऐसे करके निकल जाना है, क्या टांगने वाला है, ये रस्सी वस्सी बांधी हुई, ये सब टूटा हुआ है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा ये। और ये दिखाया हुआ है, यहाँ पे ना आना बिल्कुल बेकार है, मेरे को लगता है कि यहाँ अगर कोई आता है ना, सोचता है कि मैं हिंडन सिटी फॉरेस्ट जाऊँ और वहाँ पे जाकर कुछ एंजॉय करूँ, कुछ मिलेगा, तो कुछ भी यहाँ मिलने वाला नहीं है भाई। यहाँ आप सोचोगे आने के लिए तो यहाँ मत आना, मैं तो कहूँगा बिल्कुल मत आना। और ये कुछ दिया हुआ है, समझो कि अगर आप लोग आ रहे हो तो मत आना यहाँ पे बिल्कुल भी, यहाँ पर कुछ मज़ा नहीं आएगा। और कुछ झूले वहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए कुछ वहाँ पे झूले वूले बना रखे थोड़े से बच्चे बच्चे खेलने के लिए, घूमने के लिए। ये टिकट विकट कितना लेते हैं झूले की, भाई कह रहे हैं यहाँ पे लिस्ट लगी हुई झूले की, मिक्की माउस 40 रुपये, ट्रेन राइड 40 रुपये, एयरप्लेन जंपिंग राइड बॉल, ये सब के रेट लगा रखे हैं यहाँ पे। और इसे झूला हुआ है हेलीकॉप्टर का, कितनी देर घुमाते हो भाई? 30 राउंड है, 30 राउंड घुमाते हो इस पर। अच्छा, सबके 30-30 राउंड है, सबके इधर ये सब 30-30 राउंड है, इसमें 10 मिनट है, उसमें 6 मिनट है, और बंजी जंपिंग के 3 मिनट। इसका नाम है जंपिंग राइड, अच्छी जंपिंग राइड है, बच्चों के लिए ये, बड़ों के लिए थोड़ी ना भाई, जंपिंग राइड है, इस भी जंपिंग करने का है। आप भी कर सकते हो? मैं भी कर सकता हूँ इस पर, है मेरे अकेले जंपिंग करने से क्या हो, कोई 2-4 लोग साथ में होते ना, जंपिंग करने में अच्छा लगता है। छोटे भाई ने बताया कि अभी आगे चलेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं, वोटिंग है, और क्या कहते हैं बतख वगैरह जो भी है देखने के लिए मिलेगी, और कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ बोटिंग वोटिंग का दिया हुआ है, ये पानी है, और कुछ लोग वहाँ पे वोटिंग कर भी रहे हैं इस टाइप से। और ये बीच में कुछ थोड़ा सा बना दिया है, तो थोड़ा सा और आगे चल के देखता हूँ भैया। मैं पहुँच चुका हूँ बोटिंग वाले एरिया के पास, यहीं से भैया टिकट विकट लेंगे, टिकट विकट का कुछ होगा, कितने की टिकट है यहाँ पे, टिकट काउंटर भाई अभी बंद दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, नहीं ये भी है, टिकट वाले भैया अभी तो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे कहाँ पे हैं।
यहाँ पे लोग ये बोटिंग वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन टिकट वाले भैया यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे होंगे, कहीं पे गए होंगे लंच वंच करने के लिए गए होंगे कहीं पे। तो यार अकेले वैसे भी ना मेरे से बोटिंग तो हो नहीं पाएगी, अकेले क्या बोटिंग करूँगा इसमें बैठ करके मैं, है ना। छोटी यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन दी हुई है सिटी फॉरेस्ट गाज़ियाबाद, कैंटीन में क्या क्या चीज़ है चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कैंटीन में। भाई कैंटीन पहुँच चुका हूँ मैं और ये कैंटीन की लिस्ट है यहाँ पे इस तरीके से। वही मैंने यहाँ से ना चाउमीन ली है 80 रुपये की चाउमीन दी है इन्होंने हाफ, और फुल जो थी 160 रुपये की फुल थी। तो भाई यहाँ पे चाउमीन वाउमीन खाएंगे और फिर चाय वाय पियेंगे। जो वोटिंग की जो टिकट है ना वोटिंग के लिए वो 60 रुपये की एक आदमी टिकट है, और साढ़ा और एक आदमी टिकट वहाँ पे एक आदमी बल्कि वोटिंग कर सकता है, ये नहीं कि एक आदमी वोटिंग नहीं कर सकता, सिंगल आदमी वोटिंग कर सकता है। मैंने पूछा लेकिन वहाँ पे कोई बैठा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ भूख लगी है तो कुछ खा लिया जाए। और चाउमीन भी हाफ, ये चाउमीन है मेरी, तो चाउमीन खाते हैं उसके बाद फिर मैं। और एक यहाँ पे अच्छी चीज़ दिखाई गई है, यहाँ पे किसान है ये खेती करते हुए हल चलाते हुए, और ये दो बैल हैं। सही बताऊँ तो कोई ख़ास मज़ा आ नहीं रहा घूमने का, नहीं वैसे तो मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है घूमने का, लेकिन यहाँ पे जो लोग आसपास के लोग अगर रहते हैं यहाँ पे, जो अगर वो यहाँ पे घूमने टहलने के लिए आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ टिकट ले करके और घूमो यहाँ पे तो मेरे को नहीं लगता कि मज़ा आएगा आपको। आप सोचो कि कहीं से मैं दिल्ली से आऊँ इस गाज़ियाबाद में, और गाज़ियाबाद में आकर के दिल्ली में, बल्कि दिल्ली से गाज़ियाबाद में आकर के और कुछ इंजॉय करूं, तो इंजॉय करने वाला यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है, बस यहाँ पे सब जंगल वगैरह दिया हुआ है इस तरह से, सारी जंगल है। लेकिन यमुना जी का पानी इतना तो साफ़ है नहीं, लेकिन फिर भी ये केले के पेड़ दिए हुए हैं और ये जंगल है पूरा, और ये यहाँ पे वही दलदल है, ये हिंडन नदी के पास, ये देखो भाई ये नदी वहाँ से बह के आ रही है। नज़दीकी जो यहाँ पे लोग रहते हैं ना उनके लिए तो अच्छा है, वो घूमने के लिए आ सकते हैं, बेशक उनको टिकट लेनी पड़ जाए 10 रुपये की, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से तो कहीं और से आकर के यहाँ पे घूमना टहलना, सोचो आप लोग कि मैं यहाँ पे चलता हूँ घूमने के लिए, कुछ मिलेगा देखने के लिए, एडवेंचर पार्क लिखा रहता है पहले, बहुत सारे यूट्यूबर ने डाल रखा है एडवेंचर पार्क, ये सब बकवास है, यहाँ कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ देखने आओगे सोचोगे कुछ मिल जाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ घूमने के लिए, आप बोर हो जाओगे और फिर वापस घर चले जाओगे और वो दिन आपका ख़राब हो जाएगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप ना ही आओ तो ठीक है, यहाँ के लोग के लिए ठीक है, यहाँ के लोग घूम सकते हैं टहल सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए तो मुश्किल ही है, ना ही आओ तो ही ठीक है। तो चलते हैं भाई, नेक्स्ट ड्यूटी में हम दोबारा मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय।